नमस्कार। अधिकतर लोग, पता है आपको, इन दो कारणों से दूसरों से पीछे रहते हैं। उनमें एबिलिटी, योग्यता, साहस, धैर्य, मेहनत सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी पता है आपको, ये इन दो कारण से वो पीछे रह जाते हैं। फिर वो सोचते हैं, यार आखिर हम कैसे पीछे रहे, क्या कारण था कि यार मैं उससे पीछे रह गया, मुझे जहां पहुंचना था मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे जो टारगेट अचीव करना था मैं नहीं कर पाया, मुझे जो सफलता पानी थी वो मैं नहीं पा पाया, वो सोचते रहते। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो बातों ही बातों में इन दो चीजों को मिस कर गए। और आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं, अगर आप इन दो चीजों को मिस कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप औरों से पीछे रह जाओगे। आपकी एबिलिटी है वहां पहुंचने की, पर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे इन दो कारण से। पता है आपको, नंबर वन, हीन भावना। जिस इंसान के मन में अगर हीन भावना बढ़ जाती है ना, वो अंदर ही अंदर कुंठित रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हीन भावना टाइप ऑफ डिफरेंट, कितने प्रकार की हीन भावना होती है। जैसे एक हिंदी मीडियम का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ में जाता है, तो जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा अपने आप को गिल्टी फील करता है, अपने आप को हीन भावना से महसूस करता है। नेचुरल थिंक है, सब करते हैं, लेकिन यह हीन भावना उस वक्त मत रखना। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो सीखिए, ये नहीं कि उनको इंग्लिश आते रहो, मैं अपने आप को मन को दुखी करता रहता हूं, हीन भावना करता हूं, अरे यार वो तो इंग्लिश बोलते हैं मैं क्या करूं। हीन भावना मत रख। और हीन भावना कहां आती है, देखिए, जब कोई किसी पार्टी में आप जाते हो तो अधिकतर पैसे वाले बातें कर रहे होते हैं, आप उनके बीच में जाके भी आप बातें कर रहे हो, आप एक मध्यम फैमिली से आते हो, तो आप अपने आप को एक हीन भावना से महसूस करते हो कि यार वो सब पैसे वाले हो, मैं इतना छोटा। वाय अपने आप में हीन भावना क्यों भरनी है? जो व्यक्ति अपने आप में हीन भावना भर लेता है ना, उसके अंदर नकारात्मक थॉट आते, नेगेटिव थॉट आते, और वो नेगेटिव थॉट उसको आगे बढ़ने नहीं देते। हीन भावना से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, उसका बिलीव, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, तो वो जहां पहुंच ना पाता वो कैसे पहुंच पाता है। हीन भावना से उसका धैर्य, उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में हीन भावना मत आने देना। सबसे पहले तो जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करना कि मैं जैसा हूं सर्वश्रेष्ठ हूं, अपने आप को यह याद रखना। ऐसे नहीं करना कि आप किसी के सामने जा रहे हो, आपको लगता है वो मेरे से बढ़कर है पैसे में, नॉलेज में, हर चीज में, तो आप हीन भावना भर लोगे। वाय, क्यों? बस ऐसा मत करना। आप जैसे हो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। अगर आपके माइंड में, अगर आपके दिल में हीन भावना आ गई ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपकी योग्यता खत्म हो जाएगी, आपका धैर्य खत्म हो जाएगा, आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लोगे। इसे किसी भी सूरत में हीन भावना मत आने देना। हीन भावना से अपन औरों से, दूसरों से पीछे रह जाते हैं आगे बढ़ने में, टारगेट अचीव करने में, अपना लक्ष्य अचीव करने में, और सफलता पाने में अपन दूसरों से पीछे रह जाते हैं। अगर हीन भावना अपने मन में लाए, हीन भावना को दिमाग से निकाल देना। अगर आपको लगता है कि यार मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो किस इंसान को कुछ आता था? शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है तो स्वीकार करें और सीखिए, अपने आप को कहिए कि मैं सीख लूंगा, मैं सीख कर उसकी बराबर पहुंचूंगा, मुझे नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सबके सामने स्वीकारूंगा कि मुझे नहीं आता, यह चीज नहीं आती, लेकिन मैं सीखूंगा। सीखने से डरना मत। नहीं आता है आपको, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना नहीं, यह आपके लिए लज्जा की बात हो सकती है। आपको नहीं आता है यह कोई लज्जा की बात नहीं, यह कोई आपके लिए शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप नए हो उस फील्ड के लिए, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हो उस चीज को, तो यह आपके लिए शर्म की बात। तो अपने आप को कुछ भी नहीं आता तो हीन भावना से मत भरना, वरना आप की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। सेकंड, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। बहुत से जने क्या होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं,
जैसा हूं मैं वैसा सबसे परफेक्ट। और उनको कोई बात कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये बस मैं कहूंगा तो जो होगा। अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया ना, सीखने की योग्यता अगर आपने अंदर खत्म कर ली ना, तो आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इस संसार में ऐसा कोई परफेक्ट नहीं बना है जो अंत तक अपने लाइफ के अंत तक यह कह दे कि मुझे सब कुछ आता है। तो श्रेष्ठता का दंभ कभी मत भरना, हमेशा लाइफ में सीखते रहना। और जिस दिन आपने कह दिया कि मैं श्रेष्ठ हूं, जिस दिन आप में यह अहंकार आ गया ना, वहीं आपकी ग्रोथ स्टॉप, वहीं आप स्टॉप हो जाओ। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, वो औरों से भी दूर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान नहीं हो। आपको दुनिया की सारी चीजें नहीं आती है, कुछ न कुछ तो आपको भी नहीं आता होगा। तो क्या आप अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे? तो अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे तो आप कैसे सीखोगे, दूसरों से कैसे आगे बढ़ोगे? वहीं रुक जाओ। तो इन दो बातों के कारण अच्छे अच्छे लोग दूसरों से पीछे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनको जहां पहुंचना होता वो नहीं पहुंच पाते। पहला, अपने आप में हीन भावना भरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। दूसरा, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो भी दूसरों से पीछे रह जाता है।